ईवा, आपका अगला सवाल मैम। जियो फाइनेंस का शेयर है 300, 262 के बाय है। ये जिस दिन लिस्ट होने आया था उसी दिन खरीद लिया था पहले दिन? नहीं सर, फिर एक्चुअली जब ये बड़ा है ना उसके बाद खरीदा है कब खरीदा? सर। जब ये हाई गया था ना 267 का, जिस दिन इसने हाई बनाया था उस दिन उस बाय किया लिस्टिंग के था। दिन बनाया था ना शायद, वो 270 भी गया था शायद, उसके बाद से ठंडा पड़ गया था। खैर जो भी, तो आपने हाँ क्यों जी लिया था पहले दिन या शुरुआत में क्यों लिया, किस लॉजिक से लिया है? सर, मेरे एडवाइजर ने ही कहा था कि 262 पे बाय करते हैं मैम। एडवाइजर को फोन करके पूछा आपने या नीचे चला गया क्या करना चाहिए? उन्होंने क्या बोला एडवाइजर ने? सर वो कह रहे हैं कि मैम पेशेंस रखो, 272 जाएगा। अच्छा, एडवाइजर ने तो ये कह दिया। हिंट तो रचना जी भी कुछ दे दिया है। रचना जी क्या करें भाई, एडवाइजर कह रहा है कि जाएगा, ऊपर जाएगा। जी अब इसका बहुत ज्यादा डेटा नहीं है आपके पास चार्ट्स के लिहाज से, प्लस मुझे अभी एक बिजनेस कैसा इवॉल्व होगा, कुछ इफ्स एंड बट्स हैं, क्या करना चाहिए? आपने क्यों लिया? कुछ तो अलॉट हुए, कुछ आपने और एडिशनल बाय कर लिए, आपका कन्विक्शन क्यों? जी मेरा कन्विक्शन इसलिए क्योंकि अगर इंडिया स्टोरी पे आप फेथ रखते हैं तो आपके पास भले ही चार्ट डेटा लिमिटेड है, लेकिन इंडिया स्टोरी अगर ग्रो करेगी तो फिनेंशियल कंपनीज, फिनेंशियल सर्विसेज ग्रो करने ही चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ये वो कंपनी है जिसके पास बहुत डीप पॉकेट्स है। जितने सोर्सेस के साथ ये लोग आए, बहुत कम प्लेयर्स आ सकते हैं, एंड आज तक उनकी एग्जीक्यूशन कहीं पे भी गलत नहीं पड़ी है, तो वो एक फेथ होता है। एंड चार्ट पे भी अगर मैं लेवल्स की बात करूं तो 230 के आसपास एक सपोर्ट बनता है और नेचुरली दूसरा सपोर्ट 200 पे बनेगा। तो मेरे हिसाब से इन लेवल से कहीं पे अगर जाता है और वहां से अगर आपको फिर से ग्रीन कलर दिखना शुरू हुए तो एवरेज आउट इस केस में मैंने करा है और भी कर सकती हूँ मैं, एंड कर सकते हैं इस काउंटर में। लॉन्गर टर्म स्टोरी है ये, याद रखना नहीं तो पड़ेगा। आपने, आपको तो कुछ अलॉट हो गया है डीमर्जर के तौर पे, कुछ जी आपने खुले बाजार से लिए, आपने किस लेवल पे बाइंग करी है? जी मेरी एवरेज कॉस्ट 167 आ रही है अरे 167 आ रही है। जी। मैंने लोएस्ट सर्किट जब थे तब करे थे, मैंने उसका कैलकुलेशन फिर से अपने हिसाब से चेक नहीं करा, बट यूजुअली जो दिखाता है गलत नहीं होता, तो उस हिसाब से वो तो जीरो कॉस्ट पे आया जो एलोकेट वो हुए तो थे। हाँ, हाँ, और उसके साथ जो बाइंग हुई उन दोनों की एवरेज, बाइंग मैंने करीब करीब 213 पे बाइंग करी थी और वो वाला जीरो पे था। तो इनके लिए आंसर क्या है? ईवा को भी ऐसे ही कन्विक्शन रखना है, इंडिया स्टोरी पर होल्ड करना है, घबराने की जरूरत नहीं, ऐसा मानूं? हाँ, अगर ऐड करना है तो लोअर लेवल पे फॉल जो है उसको, गिरावट खत्म हो जाए और ग्रीन कलर दिखना शुरू होए उस दिन करना चाहिए। ठीक बात ईवा, होप दैट सॉल्व्स योर क्वेरी। जियो फाइनेंशियल की चर्चा हो गई है, तो अब रिलायंस के साथ साथ इस स्टॉक के लिए भी डिस्क्लेमर, ये उसी ग्रुप का उसी का हिस्सा है जिसका नेटवर्क 18 और टीवी 18, जिस चैनल को आप देख रहे हैं, ये भी सब एक ही ग्रुप रिलायंस इंडस्ट्रीज के हिस्से हैं। तो आप लोग कोई भी व्यू बना रहे हो चैनल को देख के, हमारी कमेंट्री को सुन के, एक बार इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से भी प्लीज़ बातचीत कर लीजिएगा। आरती मैम, अगला सवाल। सर मेरा महाबैंक है 3.54, 30.54 से 1458 से। ट्रेडिंग सारे सरकारी बैंक भर रखे हैं क्या आपने? के हिसाब से लिए थे सर, पर बाद में पहले इसमें नहीं भी गिरा रखे, था, आगे एवरेज से करा था, नहीं पहली बार में 1450 उठा लिए थे। सर, इसको भी वैसे। चलिए कन्विक्शन था शायद, भरते रहे और आज इवेंचुअली बढ़िया मुनाफा हो रहा है, 1450 क्वांटिटी, ₹10 पर शेयर का फायदा। रचना जी क्या करा जाए? जी इसमें भी अगर लॉन्गर टर्म नजरिया है आपका तो इसको रख सकते हैं और बुकआउट करने की जरूरत नहीं है। इसका सपोर्ट बनता है करीब करीब 29, जो इनके एंट्री से काफी नजदीक है, एंड यहाँ पे ऊपर वाली साइड पे दो टारगेट्स हम नजर में रख सकते हैं फॉर अ लॉन्गर टर्म पीरियड। पहला होना चाहिए 50 एंड दूसरा विल बी 60, और चार्ट इज वेरी गुड ऑन अ हायर टाइम फ्रेम। चलिए इस नोट पर ईवा मैम, आरती मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, अपनी क्वेरीज इस प्लेटफॉर्म पर रेज करने के लिए, रचना जी हमेशा की तरह थैंक यू सो मच बढ़िया तरीके से क्वेरीज सॉल्व करने के लिए, और फोटो शेयर करते रहो ना आप सोशल मीडिया पे। ब्रेक के उस पार मार्केट का एक क्विक चेक, वो एग्जैक्टली वहीं खड़ा हुआ है, तो ऐसा कुछ बदला नहीं है, वो 60-65 पॉइंट ऊपर, लेकिन ब्रॉडर मार्केट की झलकी के साथ छोड़ जाता हूं क्योंकि उसी पॉकेट पे फोकस हो गया है कल के उस मेहम के बाद।
बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।